नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राय, ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का प्यार बहुत ही ज़्यादा ही कुछ मुझ पे अच्छा और हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया, तहे मन से शुक्रिया। आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आपकी चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टार्डम। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बड़ा स्टार बिजी होने की वजह से कोई फिल्म छोड़ देता है। बहुत ही अच्छी कहानी लिखी हो, उसी के लिए लिखी हो, बड़े स्टार को नज़र में रख के ही लिखी हो, और वही कहानी अगर वो छोड़ देता है, फिल्म छोड़ देता है, और किसी नए नवेले या तो फिर थोड़े से कम पहचाने हुए कलाकार को वो फिल्म मिल जाती है, फिर तो उसकी बल्ले बल्ले ही हो जाती है। उसके लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है, और उसकी जो उसका ग्राफ यहाँ था वो इतना ऊपर हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो एक मेहरबानी समझ लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ न होने वाली बातें भी हो जाती है और कुछ होने वाली बातें नहीं होती। दोस्तों, ऐसा ही हुआ था। फिल्म कृष्ण कन्हैया बन रही थी, तब जब ये कहानी लिखी गई थी, अमिताभ को नज़र में रख के, उन्हीं को देख के नज़र में रख के ये कहानी लिखी गई थी। कैरेक्टर भी उन्हीं को लायक था, वही लायक कैरेक्टर बनाया गया था, और कैरेक्टर को इतने अच्छे डायलॉग्स दिए थे। उनके जो उस वक्त के जो उनका ऑरा था, उस टाइप के ही डायलॉग थे। तो दोस्तों, ये इसका फ़ायदा किसे मिला वो मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत अच्छी कहानी है, एंड तक देखिएगा, और मेरी चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हो तो। जो नीचे लोगो आ रहा है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये अगर कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से हमारे मोटिवेशन तो बढ़ता ही है हमारा, और लाइक्स और शेयर और सब्सक्राइब करने से आपका भी मोटिवेशन बढ़ेगा, यानी आपको भी मेरे जो भी वीडियोस आएंगे वो सबसे पहले आपको मिल जाए करेंगे, उसका इंटीमेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका होस्ट, आपका दोस्त विपिन कुमार आपके सामने हाजिर है आज एक नया विषय लेके। एक नया विषय ये है कि फिल्म इंडस्ट्री का एक दस्तूर है कि किसी वजह से किसी की तकदीर बदल जाती है, कोई कलाकार की तकदीर बदल जाती है, कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसकी वजह से उस कलाकार की तकदीर बदल जाती है, और उसकी फिल्मोग्राफी, उसका जो भी ग्राफ है वो भी बदल जाता है। और कोई कोई नसीब वाले ऐसे होते जिनके पास बहुत ज़्यादा फिल्में होती है, उसकी वजह से वो फिल्में कर नहीं पाते, वो फिल्में छोड़ देते। ऐसा ही हुआ था अमिताभ बच्चन साहब के वक्त। अमिताभ बच्चन का सितारा जब बुलंदी पे था तो उनके पास बहुत सी फिल्में थी, उन्होंने बहुत सी फिल्में छोड़ी जो कि उनके लिए ही लिखी गई थी, उनको देख के ही लिखी गई थी, उनको नज़र में रख के ही लिखी गई थी। दोस्तों, एक तो मेरी जंग जो फिल्म आई थी वो स्पेशली अमिताभ बच्चन को देख के ही लिखी गई थी। लेकिन बहुत बिजी होने के लिए, बहुत बिजी होने की वजह से वो ये फिल्म कर नहीं पाए और उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी, और वो फिल्म उस वक्त के अनिल कपूर के पास पहुंच गई। अनिल कपूर के पास पहुंच गई, और उसके बाद तो आपने देखा ही है कि अनिल कपूर ने मेरी जंग में जो अपने जलवे दिखाए हैं, अपनी एक्टिंग दिखाई है, उससे अपनी एक्टिंग की बदौलत वो अमिताभ बच्चन के टक्कर, क्योंकि सबको उन्हें मालूम था ये कैरेक्टर अमिताभ बच्चन को देख के ही लिखा है, तो उस टक्कर का मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी, मुझे अपनी कला दिखानी ही पड़ेगी। तो उन्होंने उस टक्कर की जो एक्टिंग की थी, उसके बाद का तो परिणाम आप सबको मालूम ही है कि मेरी जंग फिल्म सुपरहिट हुई थी और बहुत ही चली थी, और पब्लिक ने जब जिनको मालूम था उन्होंने कंपेयर करना शुरू किया कि ये अमिताभ बच्चन के टक्कर का कलाकार है। मैगजीनों में बहुत कुछ छपा था और मेरी जंग एक सुपरहिट बन गई थी। वैसे ही एक फिल्म थी किशन कन्हैया तो वैसे ये थी कि दो कलाकार लेने वाले थे, लेकिन फिर किसी ने सुझाव दिया कि एक ही कलाकार को डबल रोल में दिखाइए तो और ज़रा सा कुछ फ्लेवर आएगा, फिल्म में फ्लेवर आएगा और कुछ कहानी अच्छी बनेगी। तो उन्होंने सोचा कि अमिताभ बच्चन को ही दोनों कैरेक्टर देते हैं, किशन और कन्हैया का, एक अच्छा और एक बुरा, ये तो होता ही अपनी फिल्मों में। तो वैसा ही हुआ, लेकिन व्यस्तता के कारण अमिताभ बच्चन वो फिल्म कर नहीं पाए, और वो फिल्म उस वक्त के मशहूर एक्टर, यानी बहुत सभी लोगों को लगता था कि अनिल कपूर ही वो टक्कर का दे सकता है, क्योंकि उसने मेरी जंग में दिखा दिया था कि वो ये कैरेक्टर कर सकते हैं। तो बाद में ये फिल्म अनिल कपूर के पास चली गई, किशन भी वही बने, कन्हैया भी वही बने, क्योंकि इसमें दोनों
शेड्स थे, ग्रे शेड्स भी थे और कलरफुल शेड्स भी थे। एक में सब नाच गाना भी था और दूसरा एकदम नेगेटिव टाइप का भी कैरेक्टर था। तो यानी कैरेक्टर को कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ पे वो सब कुछ अपना दिखा सके, अपना जलवा दिखा सके, नेगेटिविटी दिखा सके और वो जो भी मतलब अपना जोश भी दिखा सके, तो वैसा कैरेक्टर यह था किशन कन्हैया। हालांकि लिखा गया था अमिताभ बच्चन को नज़र में रख के, लेकिन देखिए कैसे हुआ कि ये फिल्म आ गई अनिल कपूर जी के पास। जैसे कि मेरी जंग से उनको फ़ायदा हुआ था, वैसे ही इस फिल्म से उन्हें फ़ायदा हुआ। ये फिल्म बहुत ही अच्छी चली, बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बिजनेस भी किया, बहुत अच्छे एक्ट्रेसेस भी बहुत थे उसमें, माधुरी दीक्षित उनके साथ थी और दूसरी हीरोइन भी थी। लेकिन अगर ये फिल्म अगर समझो अमिताभ बच्चन कर लेते तो माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन पहली बार शायद ये फिल्मों में उनकी जोड़ी बनती। लेकिन माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी जो थी वो बहुत फेमस थी, बेटा फिल्म उन्होंने की थी और बहुत सी फिल्में की थी, तो उनकी वजह से वो दोनों की जोड़ी हुई और ये फिल्म सुपरहिट साबित हो गई। तो दोस्तों ये तो इंडस्ट्री है, ऐसा ही होता है, एक ने छोड़ी दूसरे ने पकड़ी, दूसरे को फ़ायदा हो गया, बाद में किसी को गम रहता है। वैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा का भी हुआ था, उन्होंने बहुत सी फिल्में छोड़ दी थी, दीवार भी छोड़ दी थी और शोले में भी उनका काम था, लेकिन वो कैरेक्टर उन्होंने छोड़ के अमिताभ को मिला था और अमिताभ को उसका बहुत फ़ायदा हुआ था, उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया और वो आज अमिताभ बच्चन आज भी बिजी है, आज भी फिल्में करते हैं, आज भी लोकनायक महानायक कहे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे तो होता ही है। उस वक्त अमिताभ छोड़ सकते थे फिल्म, क्योंकि उनके पास फिल्में बहुत थी, काम भी बहुत था और दिन में तो 24 घंटे ही होते। दोस्तों यही कुछ बात थी अनिल कपूर की, जो भी अनिल कपूर की बढ़त जो भी अगली पायदान तक, ऊपर की पायदान तक हो गई थी और अनिल कपूर झक्कास बॉय बन गए थे। दोस्तों ऐसी कुछ कहानियाँ लेके आऊँगा, मेरे साथ रहिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार। अगर आपने नए हो, पहली बार मेरी चैनल पर आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएंगे उसकी इंटीमेशन मिल जाया करेगी और आप मुझसे जुड़े रहोगे और मैं आपसे जुड़ना तो ज़रूरी है। जब मेरी फैमिली में आ गए तो हम एक फैमिली के हैं। दोस्तों ऐसे ही बातें कुछ लेके आऊँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स, थैंक यू। आई डोंट थिंक सो, नो 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 नो, आई डोंट थिंक सो, नो 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 नो।